एंड वेलकम टू बॉलीवुड क्रंच। बॉलीवुड क्रंच में आज हम आपको लेकर चलेंगे निकलोडियन अवार्ड शो में। मुंबई में निकलोडियन अवार्ड शो हुआ ऑर्गेनाइज, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स आए नजर। तो वहीं इस अवार्ड शो में टीवी और बॉलीवुड की दुनिया के सितारे भी पहुंचे और अपने बचपन को याद किया और बात की अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में। मैं क्या कहना चाहूंगी, बच्चे को लेकर आई थिंक आई मे बी दिस फील के मैं भी बच्ची हूँ और उनसे मिलती जुलती हूँ। मे बी दैट्स वाई दैट आई हैव दिस रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद किड्स। मैं इतना मिस नहीं करती हूँ क्योंकि ये टाइम भी बहुत खूबसूरत है एंड आई हैविंग लॉट्स ऑफ फन, और मेरे अंदर बचपना अभी भी है बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से। आई थिंक कभी कभी वो यू नो द फैक्ट कि कुछ स्ट्रेस नहीं था और समर वेकेशन मिलते थे, वो मतलब थोड़ा सा मिस कर रही हूँ अभी। जी, आपने ये बात बहुत सही कही कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स में। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे आई, और बचपन में वी मी एंड माई ब्रदर हम सब मिलकर के आई यूज टू वॉच डोरा द एक्सप्लोरर और डोरेमोन, पिकाचू, सो ऑल दीज माई फेवरेट शोज। हम दोनों स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स देखते हैं जी, तो मुझे एक एक्सक्यूज़ मिलता है अहल के बहाने कार्टून देखने का। अगर अकेला देखूंगा तो लोग थोड़ा जज करेंगे, बट अहल के बहाने मैं भी कार्टून देख लेता हूं जी, तो काफ़ी हम कार्टून देखते हैं साथ में। जब भी मेरा उसका टाइम होता है तो यूजुअली मदर स्ट्रिक्ट होती हैं और अर्पिता उसको एक कुछ आज देती हैं कार्टून देखने के लिए, मैं उसको हमेशा अलाउ करता हूं। और स्पंजबॉब मेरा फेवरेट है, वो निकलोडियन के थोड़े इंटरनेशनल कार्टून भी देखता है, पॉ पैट्रोल भी देखता है। Today he is very happy कि finally मुझे निकलोडियन में आने का मौका मिला। इसके अलावा इस अवार्ड शो में हमें वरुण धवन और कार्तिक आर्यन की मस्ती भी देखने को मिली। I am really excited, it's Nickelodeon's Kids Choice Awards, और मतलब kids में इस बार सोनू टीटू की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग आई है, तो कपड़े जो उधार के कपड़े हैं, उधार के कपड़े काजिम और प्रियंका के हैं, वरुण और मेरे कपड़े ये उतार तो वही सोनाक्षी सिन्हा और वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक का प्रमोशन करना भी इस अवार्ड शो में नहीं भूले। तो हमारी पिक्चर रिलीज होने वाली है अगले साल, जिसका नाम है कलंक। कलंक जी। तो मैं, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर भी है यहाँ पर कहीं पे अभी। शादी के बाद दीपिका पहली बार इस अवार्ड शो में मीडिया से रूबरू होती नजर आई और उनके सवालों का जवाब दिया। हमने दीपिका से जाना कि आखिर शादी के बाद उनकी लाइफ कितना चेंज हुई है, तो सुनिए दीपिका ने क्या कहा। आई थिंक दैट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव। इट्स बीन वेरी वेरी मैजिकल, इट्स बीन वेरी वेरी स्पेशल एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी गॉट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू एंड साथ ही दीपिका ने बताया अपने हनीमून और बर्थडे प्लान के बारे में, और साथ ही बताया कि रणवीर की फिल्म सिम्बा का ट्रेलर उन्हें कैसा लगा। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक वी हैव प्लान एनीथिंग एज ऑफ नाउ। आई थिंक ऑफ कोर्स राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फिल्म रिलीज। यस आई डिड, व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, आई मीन ऑफ कोर्स आई लव द ट्रेलर एंड इट्स सिग्नेचर Rohit Shetty, and I've had the pleasure of working with Rohit Shetty and, you know, creating one of my most memorable characters with him. But having said that, I think it's on its way to becoming a blockbuster. I think it has, you know, success written all over it. So I think right now, I think we're just focused on his film releasing and then we'll figure out honeymoon and birthday and all after that. Bollywood ki updates ke liye dekhte rahe Bollywood Crunch.